फ्रेंड्स, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका। हम जो पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, उसको संचालित करने का जो कार्य होता है, वो सबसे अहम कार्य होता किसका है? शिक्षक का। तो कहा जाता है कि शिक्षक की किस तरीके से, एक तरह से पाठ्यक्रम के निर्माणकर्ता के रूप में शिक्षक की एक अहम भूमिका होती है। वो निर्माणकर्ता होता है, उसका निर्माण करने वाला होता है कि जो पाठ्यक्रम हमने देखा है, पाठ्यक्रम बनाते हमारे कौन है? हमारे शिक्षक, हमारे विषय विशेषज्ञ जो शिक्षक होते हैं, वो पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। और उनके अंदर जब वो निर्माण स्वयं इसका कर रहे हैं, तो उसमें उनकी कैसी भूमिका है? सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जो खुद कर्णधार है उस कार्य का, करने वाला है उस कार्य का, उस कार्य को, तो उसकी तो भूमिका सबसे ज्यादा सर्वोपरि होगी। तो कहते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता के रूप में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक अगर इसमें पाठ्यक्रम के लिए हम कहें कि पाठ्यक्रम को जो सबसे ज्यादा निर्वाह करने वाली भूमिका है, वो होती है शिक्षक की। और इस शिक्षक के द्वारा ही पाठ्यक्रम की जो क्रियाएं होती हैं, वो प्रभावित होती हैं। पाठ्यक्रम हमारा कितना भी अच्छा हो, कितना भी श्रेष्ठ हो और कितना भी उच्च हो, जब तक उसे प्रस्तुत करने वाला, अर्थात प्रस्तुत करने वाले कौन? हमारे शिक्षक। अगर हमारे शिक्षक अयोग्य होंगे, तो हमारे पाठ्यक्रम का कोई भी महत्व नहीं होगा। वो पाठ्यक्रम चाहे कितना भी अच्छा हो, वो पाठ्यक्रम हमारा अप्रभावी होगा। और जिन उद्देश्यों को हम लेकर चले, वो हमारे उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। तो पाठ्यक्रम को जो निर्वाह करेंगे, जिन क्रियाओं को संचालित करेंगे, उसमें हमारे शिक्षक की अहम भूमिका होती है। तो कहते हैं शिक्षक ऐसे होने चाहिए कि जो उद्देश्य पाठ्यक्रम लेकर चल रहा है, और उन उद्देश्यों को प्राप्त करवाने चाहिए। अगर वो खुद स्वयं इस चीज के लिए अयोग्य होंगे, तो हमारा वो पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य है, वो पाठ्यक्रम के उद्देश्य हमारे पूरे नहीं होंगे। जिन उद्देश्यों को हम पूरा करना चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य होता है, हमारा विषय वस्तु होता है, हम उस पर कभी भी पूरी तरह से हमारे उद्देश्य पूर्ण नहीं होते। तो कहते हैं कि शिक्षक एक सामाजिक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। किसका? शिक्षक का ही। अतः शिक्षक द्वारा पाठ्यक्रम पर जो हमारे प्रभाव पड़ते हैं, उन्हें हम किन किन तरीकों से कहते हैं? नहीं कहते ना, शिक्षक का क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षक का क्यों प्रभाव पड़ता है? तो ये चीज है कि शिक्षक का किस तरीके से हमारे पाठ्यक्रम में प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम कहेंगे शिक्षक का व्यवहार। पहला पॉइंट है हमारा शिक्षक का व्यवहार। कहते हैं व्यवहार एक हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि होती है। यानी कि व्यवहार क्या है? व्यक्ति का स्वयं का व्यवहार। तो कहते हैं कि शिक्षक का व्यवहार सामाजिक पृष्ठभूमि से निर्धारित होता है। शिक्षक की मनोदशा के आधार पर हम पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है। हमने देखा है कि प्राचीन काल में शिक्षक की जो मनोदशा थी पाठ्यक्रम के प्रति, तो उनकी मनोदशा क्या थी? वो ये चाहते थे कि जो बालक है, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात माने? शिक्षक की बात माने। तो उन्होंने ये चीज बताई थी कि हमने देखा जो प्राचीन काल में इनका व्यवहार था, एक कठोर प्राचीन काल में शिक्षक का व्यवहार एक कठोर व्यवहार था, कठोर व्यवहार। लेकिन जैसे जैसे कहते ना, जैसे जैसे हमने पहले देखा कि शिक्षक जो थे सर्वोत्सव, यही चाहते थे शिक्षक कि मैं ही सर्वोपरि रहूं। अर्थात उनका, जहां हमारा पाठ्यक्रम भी मैंने पहले बताया आपको, शिक्षक प्रधान था, तो उनका एक व्यवहार में आ गई थी ये चीज। उन्होंने सोचा कि उनके व्यवहार ऐसा, उनकी मनोदशा, उनकी जो कहते ना मनोविज्ञान जो थी, उनकी साइकोलॉजी जो थी, उनकी मनोदशा, तो उनकी मनोदशा यही थी कि हम तो सर्वोपरि हैं। अर्थात जहां हम पहले शिक्षक एक अपने कठोर नियम बनाता था, और उन कठोर नियमों को बनाकर कड़ी से कड़ी जो नियम होते थे वो बनाते थे, क्योंकि वो खुद को सर्वोपरि मानते थे। और जब वो कठोर नियम बनाते थे, उन नियमों की पालना वो किससे करवाते थे? विद्यार्थी से। तो कहते हैं कि हम जो पाठ्यक्रम के निर्माण में जो भूमिका होती है, सबसे पहले
पहली वो हमारी होती है क्या, हमारे शिक्षक का व्यवहार। लेकिन हमने देखा कि जब हम पाठ्यक्रम में ये नियम और सिद्धांत प्राचीन काल में थे तो उनमें हमें परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी, और हमने आज के टाइम पे हमने देखा कि आज के टाइम पे शिक्षक जो है वो नंगे यानी कि एक गौण स्थिति में आ गए। लेकिन जो हमारा विद्या जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें क्या हो गया, ये छात्र पर आधारित हो गया, यानी कि आधुनिक काल में जो व्यवहार है शिक्षक का, आधुनिक काल में व्यवहार क्या व्यवहार है आज, ये बाल केंद्रित हो गए, बाल केंद्रित यानी इन्होंने अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया। जहां ये अपने आप को शिक्षक को सर्वोपरि मानते थे वहीं इन्होंने अपने जो व्यवहार है उसमें ये समाहित किया। ये क्या था हमारे पाठ्यक्रम में यानी कि जो उनकी भूमिका है उसको देखते हुए उन्होंने आगे जैसे ही अपने विचार चेंज किए कि आज के टाइम पे हमारी जो जरूरत है या हम कहें कि बच्चों की जरूरत है या जो शिक्षा की जरूरत है वो जरूरत है आज के टाइम पे हमारी कि बाल हमारी जो शिक्षा हमारा जो पाठ्यक्रम है वो कैसा हो, हमारा बाल केंद्रित हो। तो वर्तमान के जो शिक्षक के सकारात्मक व्यवहार में यानी कि पहले तो हमने देखा कि प्राचीन काल में जो व्यवहार था उनका वो नकारात्मक था, लेकिन जैसे ही आधुनिक काल में इसकी समय परिस्थिति के अनुसार बदले उनके व्यवहार में परिवर्तन आया तो उनका व्यवहार कैसा हो गया, सकारात्मक। तो इनके ये सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाने लगे तो कहते हैं कि हमारा इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जो शिक्षक का व्यवहार एवं दृष्टिकोण होता है वो पाठ्यक्रम को अभिप्रेरित करता है। क्योंकि जब शिक्षक ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया, जहाँ पहले खुद को सर्वोपरि माने और एक कठोर नियम बनाए, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार में नकारात्मकता से सकारात्मक लानी शुरू की तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आया, और जब उनके व्यवहार में परिवर्तन आया तो उससे कहते हैं हमारे पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन आ गया। इसीलिए कहते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण करता होते हैं शिक्षक। जब शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन आया तभी हमारे पाठ्यक्रम में जो पाठ्यक्रम हमारा बनाया गया वो बाल केंद्रित बनाया गया। तो इसीलिए इस पॉइंट से हम जान सकते हैं कि जब शिक्षक का व्यवहार हमारा कितना महत्वपूर्ण होता है, शिक्षक जो हमारा पाठ्यक्रम बनाते हैं उसमें उनकी कितनी अहम भूमिका है। क्योंकि जब उनके व्यवहार में परिवर्तन आया तभी हमारे पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन आया और पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित बनाया गया। फिर सेकंड हम देखते हैं इसमें, सेकंड है हमारा शिक्षक की योग्यता यानी पहला पॉइंट था हमारा शिक्षक का व्यवहार, फिर है हमारी शिक्षक की योग्यता। शिक्षक के द्वारा अपनी योग्यता के आधार पर पाठ्यक्रम में हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। शिक्षक की योग्यता विकास में उसकी जो परिवेश में एवं समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमने देखा है कि जो शिक्षक अपनी योग्यता के आधार पर ही यह बता सकते हैं कि अधिगम में छात्र कितनी रुचि ले रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम अगर शिक्षक जिस चीज को समझाने योग्य है तो छात्रों में छात्र के अधिगम में जरूर परिवर्तन होगा। यानी कि जो हम छात्र में परिवर्तन चाहते हैं वो परिवर्तन शिक्षक की योग्यता पर होती है। अगर शिक्षक हमारा योग्यशील होगा तो हमारा पाठ्यक्रम भी वैसा ही बनेगा। यानी कि अगर हम देखें कि शिक्षक की योग्यता के आधार पर हम छात्र में परिवर्तन चाहते हैं तो शिक्षक अपना जो पाठ्यक्रम का निर्माण करेगा वो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय वो यही सोचेंगे वो या फिर ऐसा पाठ्यक्रम बनाएंगे जिससे कि वो छात्र में परिवर्तन ला सके। तो शिक्षक की योग्यता के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण का होता है, और जो पाठ्यक्रम का निर्माण हम देखते हैं पाठ्यक्रम का जब निर्माण करते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि शिक्षक की कितनी योग्यता है, शिक्षक उस चीज के बारे में कितने जानते हैं। तो ये हमारा एक कहते हैं कि छात्र जो रुचि का जो प्रदर्शन करते हैं किस आधार पर करते हैं, या कहें कि अगर शिक्षक ने उनको हर चीज समझा दी अधिगम करवा दिया और छात्र फिर भी उस पर रुचि नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं शिक्षक की योग्यता में कमी है। अगर शिक्षक की योग्यता में कमी है
कारण छात्र उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। तो इसमें बताया गया है कि हम जो पाठ्यक्रम में जो सुझाव देते हैं, पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन किया जाता है वो शिक्षक की योग्यता के द्वारा अभिप्रेरित होकर किया जाता है, यानी कि शिक्षक अपनी योग्यता के आधार पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन करते हैं। जब शिक्षक जैसे कहते हैं ना कि हम जैसे होंगे वैसा ही हम अपने लिए हमारी सामग्री तैयार करेंगे, तो वही चीज है, शिक्षक अपनी योग्यता के आधार पर अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। अब थर्ड हमारा पॉइंट है शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी, शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी ज्ञान। इस चीज को हम मानते हैं कि जैसा हम प्रशिक्षण लेंगे हम वैसा ही कार्य करेंगे। सिंपल शब्द में हम देखें, हम घर में रहते हैं, हमारा जो पारिवारिक माहौल होता है, हम कई बार ये कहते हैं बच्चे को कि बच्चे में ये दोष है, बच्चा इस तरह से बोलता है, बच्चा इस तरह से खाता है। हम उसे प्रशिक्षण का नाम नहीं देंगे, लेकिन वो प्रशिक्षण के तौर पर है क्योंकि वो घर में रहता है, तो प्रशिक्षण ही तो है, वो सीख रहा है कहाँ से, परिवार से। तो हम ये चीज मानते हैं कि जैसा हम प्रशिक्षण लेते हैं अर्थात जैसा हम सीखते हैं उसी ज्ञान को हम प्रयोग में करते हैं। चाहे हम किसी कहते हैं कि प्रमाणित हमने प्रशिक्षण नहीं लिया, लेकिन एक परिवार में हम रहते हैं तो वो भी हमारा प्रशिक्षण होता है, क्योंकि हम वहां से आदतें हमारी सीखते हैं। तो यहाँ मैं प्रशिक्षण सिर्फ सिखाने के आधार पर ही आपको एग्जांपल दे रही थी। मैंने तो ये चीज हम मानते हैं कि शिक्षक जैसा प्रशिक्षित होगा वो उसी से संबंधित हमें ज्ञान देगा, जैसा उन्होंने सीखा है वैसा ही हमें ज्ञान देंगे। हम देखते हैं कि जो हम ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान हम जितनी रुचि से और जितना ज्ञान हम सीखते हैं और जैसा हमें सिखाया जाता है हम वही प्रशिक्षण हमारे जीवन में काम में लेते हैं, उसी ज्ञान का हम उपयोग करते हैं। तो कहते हैं कि जो हमारा शिक्षक जो हमारा प्रशिक्षण होता है वो सामान्य रूप से दो स्थितियों में, दो प्रकार की परिस्थितियों में पाया जाता है, दो प्रकार के प्रशिक्षण के रूप में पाया जाता है। पहला हम कह सकते हैं उसे औपचारिक व्यवस्था के अंतर्गत जो पहला प्रशिक्षण होता है, औपचारिक व्यवस्था जो प्रशिक्षण हम कहाँ से ग्रहण करते हैं, विद्यालय महाविद्यालय से, अर्थात किसी संस्था से हम जो हमारा औपचारिक ज्ञान लेते हैं वो हमारा होता है औपचारिक। दूसरा होता है हमारा सामाजिक, यानी कि समाज से संबंधित। अगर इसे हम कहें तो ये ज्ञान कौन सा हो गया हमारा, अनौपचारिक ज्ञान, यानी कि हम दोनों तरीके का प्रशिक्षण लेते हैं। और जब शिक्षक ने दोनों तरीके के प्रशिक्षण में एक तरीके से अपनी कहती है ना उन्होंने दक्षता हासिल की है उस प्रशिक्षण में, तो वही उसी तरीके का प्रशिक्षण वो हमें देते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जिस तरह से अनुभवी शिक्षक हम ये कहें कि एक संगति से भी प्राप्त होता है, जो हम सामाजिक ज्ञान ले रहे हैं, औपचारिक जो प्रशिक्षण ले रहे हैं वो हम एक संगति के आधार पर लेते हैं। तो पाठ्यक्रम के स्वरूप में उचित रूप को विकसित करने का जब हम प्रयास करते हैं तो उसे प्रयास करने के लिए हमारे शिक्षक जो प्रशिक्षण के संबंधी जो ज्ञान होता है वो ज्ञान हमारा सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान होता है। फिर है हमारा शिक्षक का समाज में सम्मान, शिक्षक का समाज में सम्मान। कहते हैं शिक्षक की भूमिका एक सम्मानित होती है, शिक्षक का जो स्थान होता है वो एक ऊंचा स्थान होता है, सम्मानित स्थान होता है। तो हम ये कहेंगे कि शिक्षकों का जिस समाज में हम कि सम्मान होता है उस समाज में रहने वाले शिक्षक क्या करते हैं, हम कहें कि अगर शिक्षक का स्थान हम जिस समाज में रहते हैं उनका स्थान एक ऊंचा है अर्थात सम्मानित है, उनका एक व्यक्तित्व की पहचान है। यहाँ पर हम कहते हैं कि हम जब किसी शिक्षक को जानते हैं उनका सम्मान, हमने पहले देखा कि जब भी गुरुओं को एक ऊंचा दर्जा दिया जाता है, जो गुरु होते हैं वो हमारे पूजनीय होते हैं, सम्मानित होते हैं। तो इसमें हम कहें कि पहले जैसे सुकरात जी थे तो
अपने समाज में एक अलग से उनको सम्मान प्राप्त था और वो एक शिक्षक के रूप में, एक आदर्श शिक्षक के रूप में उनका इसमें स्थान था। तो कहते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम में हमारे शिक्षक के जो समाज में उनका कैसा स्थान है, अगर जैसे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर वो छात्रों का, हम कहते हैं ना छात्रों का सर्वांगीण विकास वही आदर्श शिक्षक कर सकते हैं जिनका समाज से समाज में सम्मान होता है। वो शिक्षक हमारे वही कहते हैं सम्मानित कौन होगा जिसमें कुछ गुण होंगे। तो ये चीज है कि जब तक उन गुणों का जो सर्वांगीण विकास हम बच्चों का करना चाह रहे हैं, क्योंकि तो शिक्षक में स्वयं में जो गुण है वो गुण वो अपने छात्रों में डालना चाहते हैं, तो वो छात्र का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। तो सर्वांगीण विकास अगर हमारे समाज में हमारा कोई स्थान नहीं होगा, जब तक हमारा सर्वांगीण विकास नहीं होगा, तो हम छात्रों में जो सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं वो हम जब ही कर सकते हैं जब शिक्षक का एक सामाजिक समाज में एक सम्मानित स्थान होता है। फिर है हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षक का जीवन दर्शन। शिक्षक का जीवन दर्शन यानी कि शिक्षक के खुद के कहते हैं पाठ्यक्रम को विकास को जीवन स्वयं के जो अनुभव है उनके स्वयं के जो कहते हैं शिक्षक के जीवन के जो दर्शन है वो पाठ्यक्रम के विकास में, पाठ्यक्रम के विकास को क्या करते हैं अभिप्रेरित करते हैं। जैसे हम कहें कि जो हमारे सुकुरात जी थे, मैंने ऊपर भी आपको एग्जाम्पल दिए, वो एक शिक्षक भी थे और उनको हमने उपदेशक के रूप में भी ग्रहण किया, यानी उनके जो अनुभव है उनके जो उपदेश है उन्हें हम अपने जीवन में उतारने लगे। तो हम क्यों करने लगे, क्योंकि हम उनके जीवन दर्शन से, उनके जीवन के अनुभव से, हम खुद उनके जीवन के दर्शन से अभिप्रेरित हैं। तो उसमें वो चीज बताइए कि शिक्षक का जीवन दर्शन यानी कि स्वयं के शिक्षक का खुद का क्या दर्शन है। कहते हैं कि जो वही सत्य और असत्य का विभेद कर सकते हैं और हमारे विकास के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं जो खुद अपने जीवन में इस कार्य को कर चुके हो, उनके जीवन में स्वयं के जीवन में ये जो कहते हैं ना कि समस्या से जो वो खुद गुजर चुके होते हैं वो ही हमें सत्य और असत्य का भेद बता सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि पाठ्यक्रम में हम शिक्षक के जो जीवन दर्शन है हम उनको भी समाहित करते हैं, उसके आधार पर हम हमारे पाठ्यक्रम में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो भी हमारी महत्वपूर्ण है। तो ये जीवन दर्शन भी हमारे पाठ्यक्रम में शिक्षक के लिए पाठ्यक्रम के निर्माणकर्ता में उनके जो स्वयं के जीवन दर्शन होते हैं उनको एक महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। फिर है हमारा शिक्षक का आर्थिक स्तर। शिक्षक का आर्थिक स्तर जो हमारी फाइनेंशियल स्तर होता है वो हमारी प्रत्येक चीज में हमने देखा है। एक शिक्षक जो एक कहते हैं कि निम्न वर्ग से संबंधित रखते हैं, अर्थात जो एक गरीब वर्ग से है, तो वो हमने देखा है कि वो जो हमारी शिक्षण अधिगम जो सामग्री होती है वो हमारी उसी तरीके से चुनते हैं। और एक हम देखें कि जो उच्च वर्ग में आ रहे हैं, अमीर उस वर्ग में आ रहे हैं, तो वो कौन सा चुनेंगे, उच्च श्रेणी का। तो कहते हैं ये जो हमारे आर्थिक स्तर होता है ये भी हमारे पाठ्यक्रम निर्माण में एक भूमिका निभाते हैं। एक शिक्षक तो हमें चार्ट मॉडल बनवा रहे हैं, एक शिक्षक के द्वारा हम क्या बना रहे हैं, पीपीटी से कार्य कर रहे हैं, कंप्यूटर पर बना रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं, ये हमारा एक आर्थिक स्तर का भेद है, विभेद होता है, क्योंकि जो स्वयं जो कहते हैं ना जो आर्थिक स्थिति से गुजरता है, जो कम गरीबी से गुजरता है, वो शिक्षक हमें उसी तरीके से सामग्री का प्रयोग करना सिखाएगा, और जो हमारे उच्च श्रेणी में आ रहे हैं, अमीर उसमें आ रहे हैं, वो हमें उन्हीं श्रेणी का प्रयोग कर दे। तो जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो जब निर्माण करने में हमारी ये आर्थिक स्थिति भी कहीं ना कहीं हमारी अहम भूमिका निभाती है। तो ये चीजें हमारे पाठ्यक्रम के निर्माणकर्ता में हमारे शिक्षक की भूमिकाएं होती है। इन्हीं आधारों पर हम शिक्षक एक पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं और ये एक अच्छा और प्रभावी पाठ्यक्रम बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता में एक निर्माण करने वाले हैं शिक्षक, तो उनकी जो भूमिका होती है वो उनकी सर्वोपरि होती है, उनकी एक मुख्य भूमिका
योग्यता होती है, जिसमें मैंने आपको बताया शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी ज्ञान, शिक्षक का समाज में सम्मान, शिक्षक का जीवन दर्शन और शिक्षक का आर्थिक स्तर। धन्यवाद।